हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे एनुअली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, जितने भी शख्स मेरे साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं। तो भत्ता मानदेय कब आएगा? जी हाँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं भत्ता मानदेय कब आएगा। तो इस बारे में मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से और परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों से बात की थी, तो इसका जवाब मिल चुका है। जी हाँ, भत्ता मानदेय क्यों नहीं आ रहा है? तो परिवार पहचान पत्र, जी हाँ परिवार पहचान पत्र है, इस पर कार्य चल रहा है। जी हाँ, जितने भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अधिकारी हैं परिवार पहचान पत्र का जो भी आपका डाटा है इसको अपडेट करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, ठीक है, परिवार पहचान पत्र है, इस पर कार्य चल रहा है। ठीक है, तो रोजगार विभाग के अधिकारी से मैंने इस बारे में बात की थी। भत्ता मानदेय बहुत से बच्चों का इस महीने नहीं आया है, तो भत्ता मानदेय कब आएगा? तो नेक्स्ट जैसे ही परिवार पहचान पत्र का जो कार्य है पूरा हो जाएगा, सभी की जो फैमिली आईडी है सक्षम यो पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, तो उसके बाद यह वाला अगला आपका नेक्स्ट मंथ से आपका जो भत्ता मानदेय आपके बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, अभी कुछ कुछ जिलों का भत्ता मानदेय क्रिएट किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के द्वारा, तो जल्द ही सभी का भत्ता मानदेय अगले मंथ से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी मैं बता रहा हूँ। तो इस बारे में मैंने रोजगार विभाग के अधिकारी से बात की थी। तो भत्ता मानदेय परिवार पहचान पत्र है, जिनकी फैमिली आईडी में मिस्टेक हो गई थी तो उनका सभी का डाटा है वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया गया है परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों ने। तो वेरीफाई डाटा वेरीफाई होने के बाद परिवार पहचान पत्र में अपडेट हो जाएगा। परिवार पहचान पत्र में अपडेट होने के बाद सक्षम यू पोर्टल पर है अपनी फैमिली आईडी आपको दोबारा से अपडेट करनी होगी, या दोबारा से आपको अपडेट हुई मिलेगी सही डाटा के साथ। जी हाँ, जो भी आपका नया डाटा है, जो सही डाटा आपने अपडेट किया है परिवार पहचान पत्र में, या तो आपको सक्षम या पोर्टल पर सही का सही डाटा आपको अपडेट देखने को मिलेगा साथ के साथ, या आपको दोबारा से अपनी फैमिली आईडी अपडेट करनी होगी। जी हाँ, सक्षम या पोर्टल पर। ठीक है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितने सक्षम साथी हैं वीडियो ज़्यादा शेयर कर दे। तो ये अपडेट आई थी मेरे पास, तो मैंने रोजगार विभाग के अधिकारी और परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों से बातचीत की थी इस बारे में भत्ता मानदेय संबंधित। ठीक है, तो जैसे ही आपका परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी का डाटा है आपका जो भी गलत हुआ था वो सही डाटा अपडेट हो जाएगा सक्षम पोर्टल पर और परिवार पहचान पत्र में, तो उसके बाद ही आपका नेक्स्ट मंथ से आपका जो भत्ता मानदेय आपके बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, काम अभी बहुत चल रहा है परिवार पहचान पत्र पर और रोजगार विभाग में। जी हाँ, परिवार पहचान पत्र को लेकर फैमिली आईडी को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी सक्षम युवा जितने भी उनके सभी की फैमिली आईडी डाटा है वो पोर्टल पर दिखाई जाए। जी हाँ, ठीक है, उनका सभी का डाटा, जितने भी सक्षम युवा साथी उनका सभी का डाटा लिया जाए, सक्षम युवा है जितने भी हरियाणा के 2016 में जो योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो जैसे ही आपका परिवार पहचान पत्र का डाटा सक्षम युवा पोर्टल पर सही देखने को मिलेगा, जो भी आपका डाटा गलत फिल किया गया था उनको वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया गया है परिवार पहचान पत्र के अधिकारियों द्वारा। ठीक है, और सक्षम यो पोर्टल पर आपको जल्द ही सही डाटा देखने को मिलेगा, क्वालिफिकेशन एक्यूपिएशन इनकम वगैरह या अगर जो भी आपकी मिस्टेक थी परिवार पहचान पत्र में, तो वो सभी डाटा आपको देखने को मिलेगा सक्षम यो पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।